YouTube की लाइव में और कमेंट सेक्शन में आपका ये क्वेश्चन था ताकि क्या टीनएजर्स अंडर 18 क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो आज के इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपका इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि ले सकते हैं या फिर नहीं, अगर ले सकते हैं तो किस बेस पर ले सकते हैं और कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अंडर 18 के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द वीडियो। सो गाइस, ऑफिशियली हम क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते जब तक हमारी एज 21 ईयर्स हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट बेस पे क्रेडिट कार्ड के लिए हमारी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल भी एक ऐसा तरीका है जिससे हम अंडर 18 क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। सो गाइस, ये तरीका ये है ताकि सपोज करो अगर आपके पेरेंट का कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप उसके बेस पे सेम लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड पे हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं एड ऑन क्रेडिट कार्ड। हर बैंक ये सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन अभी फिलहाल में कई बैंक्स हैं जो एड ऑन क्रेडिट कार्ड अंडर 18 को दे सकते हैं। आपको बेसिकली बैंक में जाके एक फॉर्म, अपना आधार कार्ड और साथ में जौन सा क्रेडिट कार्ड आपके पेरेंट्स का है उसके डिटेल डाल के सबमिट करना होगा, तो आपको अंडर 18 क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। जो आपको लिमिट मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट का क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपीज, तो आप और जो सा एड ऑन क्रेडिट कार्ड होगा उस वो कार्ड और पेरेंट के कार्ड की कंबाइंड लिमिट हो जाएगी 1 लाख, यानी कि अगर आप 20,000 स्पेंड करते हैं तो पेरेंट के क्रेडिट कार्ड की लिमिट रह जाएगी 80,000, यानी कि टोटल में हम 1 लाख स्पेंड कर सकते हैं। उस क्रेडिट कार्ड पे आपका नेम प्रिंट होगा और आप उसे यूज कर सकते हैं सेपरेट पिन बना के। सो गाइज, यही फिलहाल में तरीका है ताकि अगर आपको चाहिए अंडर 18 का क्रेडिट कार्ड। सो गाइज, होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।